हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुमाइलास कुकिंग पैशन। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर आ गई एक नई सी अमेजिंग सी मार्बल पूरी की रेसिपी के साथ। आज मैं ये मार्बल पूरी एक ट्रिक के साथ बनाने जा रही हूँ और आपको बहुत सारी टिप्स भी दूंगी। अभी मैंने कुछ दिन पहले कलरफुल रंग बिरंगी पूरियों की वीडियो डाली थी और उसमें मैंने बहुत सारे कलरफुल आटे गूंदे थे। अभी मुझे एक आइडिया आया था, क्यों ना इसकी मार्बल पूरी भी बनाई जाए। तो जब लास्ट में कुछ आटा बचा तो मैंने फिर इसकी मार्बल पूरियां बनाई। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कलरफुल सब्जियों के आटा गूंदने की रेसिपी मैं आपको इससे पहले वीडियो में दे चुकी हूँ, तो आप इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक शेयर कर दूँगी। ये देखिए, जो आटा बचा हुआ था मैंने इसको इस तरह से रोल बना लिया है और इक्वल लेंथ में रखा है ताकि हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकें। देखिए, मेरे पास इतना आटा था कि मैंने 6 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, तो आपके पास जितना बचा हो आप उस हिसाब से इक्वल डिवाइड कर लीजिएगा। हमें इसी तरह सारे आटों को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे सारे आटों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब आइए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। मैंने हर आटे में से एक एक कलर का पार्ट उठाया और एक के ऊपर एक रखा और इस तरह से देखिए मैं लोई बना रही हूँ। हमारी लोई रेडी है और अब मैंने इसको आटे में खुश्की लगा के इस तरह से फ्लैट किया और बेलना शुरू कर दिया। देखिए, पूरी को बहुत ज़्यादा ना पतली रखिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी रखिएगा, मीडियम रखिए जिससे ये खूब अच्छी फूले और खाने में भी लगे कि हाँ हम कुछ खा रहे हैं। बहुत सी जगह पतली पूरियाँ इतनी पतली बना देते हैं कि वो पता ही नहीं चलता, ना पेट भरता है और ना ही वो अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है उसमें। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी कलरफुल पूरी। अब मैंने यहाँ पर देखिए तेल खोला लिया है, तेल भी बहुत ज़्यादा ओवर हॉट नहीं होना चाहिए, नहीं पूरियाँ तल तो जाएंगी लेकिन साथ में जल भी जाएंगी। ये देखिए, इस तरह से आपको इसे तलना है और ये फिर से कितनी अच्छी फूल रही है। देखिए ये कितने अच्छे से फ्राई हो रही है, पूरी फूल रही है खूब अच्छी और कितना खूबसूरत इसका मल्टी कलर आ रहा है और ये बच्चों को भी बहुत अट्रैक्ट करेगी। मैंने यहाँ पर सारी मार्बल पूड़ियाँ फटाफट तल ली हैं और सारी की सारी पूड़ियाँ बेहद खूबसूरत लग रही हैं तलने के बाद। इन मार्बल पूड़ियों को आप स्पेशल ओकेजन पर या फेस्टिवल्स पर भी बनाकर सबको खिला सकते हैं। आपको मेरी ये मार्बल पूरी की न्यू ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे न्यू और अमेजिंग सी रेसिपी लाने के लिए। लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। टेक केयर।